दिन पहले ही डिस्कवर किया कि भाई हमारे यहाँ ने कबर्ड ओपन किया तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। दिनों से मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था, आपको थोड़े कम इलेक्ट्रिसिटी रेट्स लगेंगे। बट ये बनता है थाईलैंड में, तो ये थाईलैंड का रेसिपी है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। अमेज़न से शॉपिंग कर रहे हो, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो मेरा वाला जुगाड़ ट्राई। Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy, cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins, you could be the first and the second and the third. Hello everyone, good morning, kaise ho aap sab log? Hope aap sab theek hai. बस बज रहे हैं सुबह के 9:15। बस नायरा को मैंने अभी छोड़ा है और भाई मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम आ गया है। मतलब कितने अभी पूरा वीक बारिश ही दिखा रहा है। एनीवेज कल अच्छा दिन था तो कल हम शॉपिंग करके आए। होप आपको हमारा वो शॉपिंग का ब्लॉग अच्छा लगा हो। मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी ताकि अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, बहुत सारी ऑप्शंस भी थे। सो गाइस डू चेक दैट आउट। अभी मुझे आपको और एक चीज़ दिखानी है कि यहाँ पे किसी ने बोला था कि वो लेवेंडर को आप कबर्ड में रख सकते हो, तो मैंने दो दिन पहले ही डिस्कवर किया कि भाई हमारे यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा वो लेवेंडर का पूरा है छोड़ जो बोलते हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ और हम थोड़ा ले भी लेंगे साथ में ताकि हम रख सकें। ये देखिए, ये थोड़ा गीला आज हो गया है बारिश की वजह से, पर बहुत अच्छा है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा ले लूँ कबर्ड में रखने के लिए। चलिए अभी चलते हैं घर, नाश्ता वाश्ता करते हैं। और 2 दिन से हमारा एक पार्सल आया है जो मुझे आप लोगों को दिखाना था, इसके लिए मैंने खोला भी नहीं है, तो घर जाके वो खोलते हैं। बज रहे दोपहर के 12 और घर नायरा को छोड़ के आते ही मैं लग गई थी काम पे। नाश्ता वाश्ता किया, फिर सब साफ सफाई की और मैंने डाले वो जो सारे मैंने लेवेंडर के जो फूल लिए थे वो मैंने सब कबर्ड में रख दिए। और ट्रस्ट मी गाइस, जैसे ही मैं अभी मैंने कबर्ड ओपन किया तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो अगर आपके घर के आसपास भी कहीं पे आपको ये लेवेंडर के जाल मिले तो लेके आओ और अपने कबर्ड में डालो। इतना मस्त खुशबू आएगा ना कबर्ड में से और आपके कपड़े में से, तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। सो थैंक यू, मैं उनका नाम भूल गई जिन्होंने ये सजेशन दिया था, बट थैंक यू सो मच, ये बहुत ही अच्छा सजेशन है और मैं आप लोगों को भी ये पास ऑन करना चाहती थी। दिनों से मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था, स्पेशली तब से जब से हमने ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का मीटर दिखाया था और किसी ने कमेंट किया था कि यू नो यूजुअली अगर आप रात को डिशवॉशर है, वॉशिंग मशीन है, वो सब चलाते हो तो आपको कम रेट लगता है। तो बस मैंने सोचा कि अभी उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि क्या ये सब यूके में भी होता है, क्या यूके में भी अगर आप रात को लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग आपके इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जैसे वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर चलाते हो तो आपको कम रेट लगता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसका जवाब है यस,
यहाँ पे भी सिस्टम है पिक आवर्स, ऑफ पिक आवर्स और शोल्डर आवर्स। तो ऐसे तीन टाइप के आवर्स हैं जहाँ पे उस हिसाब से आपको टैरिफ लगता है। तो पिक आवर्स कौन सा होता है? पिक आवर्स तभी होता है जब यूजुअली ऑन वीकडे सब इवनिंग में सब ऑफिस से घर आते हैं, तभी के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो वो पिक आवर काउंट किया जाता है यहाँ पे, और तभी इलेक्ट्रिसिटी का जो टैरिफ है वो सबसे ज़्यादा रहता है। ऑफ पिक आवर्स वो है जहाँ पे एकदम लेट नाइट, मेरे ख्याल से 10 बजे के बाद और अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे, वो सब ऑफ पिक आवर्स माना जाता है, और तभी के टाइम पे आपको सबसे कम टैरिफ लगता है अगर आप तभी कोई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते हो। और उसके बीच में आता है शोल्डर आवर्स, जो मेरे ख्याल से मैं मानती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग जब ख़त्म होती है, मतलब 8 बजे से लेके शाम तक, मुझे लगता है वो शोल्डर आवर्स माने जाते हैं। और तभी मीडियम, मतलब बहुत हाई टैरिफ भी नहीं और बहुत कम टैरिफ भी नहीं, ऐसे रेट्स लगाए जाते हैं। तो जी हाँ, आज मेरा भी वो डाउट क्लियर हो गया कि अगर आप ड्यूरिंग ऑफ पिक आवर्स और शोल्डर आवर्स अपने सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस चलाएंगे तो आपको थोड़े कम इलेक्ट्रिसिटी रेट्स लगेंगे, और इस तरह से आप सेविंग कर सकते हो अपने इलेक्ट्रिक मीटर पे। जैसे बहुत सारे है कंपनियाँ जो आपको ऐसे रिवॉर्ड्स भी देती है, जैसे ब्रिटिश गैस देता है, सारी जो कंपनीज है बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स भी ले रही है। जैसे ब्रिटिश गैस में वो कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं अगर आप ऑफ पिक आवर्स में अपने डिवाइसेस चलाते हो, उन्होंने ये मॉनिटर करने के लिए भी हमको ये डिवाइस दिया है आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कैसा हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यस, विच इज़ वेरी गुड, जो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का कंसेप्ट इंडिया से जो थोड़ा डिफरेंट है। मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं पिक आवर्स ऑफ पिक आवर्स, सो ऐसा कंसेप्ट ऑब्वियसली होना ही चाहिए ताकि आप भी कुछ सेव कर पाओ इससे, और मतलब प्लेनेट अर्थ को भी थोड़ा फ़ायदा हो। इसी तरह से ये जो पिक ऑफ पिक आवर्स और पिक आवर्स है, इसका कंसेप्ट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में भी है। जैसे कि अगर आप ट्रेन में जा रहे हो पिक आवर्स में, लाइक मेरे ख्याल से 4 to 7 इवनिंग के और मॉर्निंग में कुछ हो 7 to 10, तो आपको ज़्यादा टैरिफ लगता है, मतलब ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है रेदर देन ऑफ पिक आवर्स। सो अगर आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑफ पिक आवर्स में ट्रैवल कर रहे हो, तो गाइज ऐसे ही ट्रैवल करना ताकि आप थोड़ा उसमें भी सेव कर सको। इस कंसेप्ट, मुझे ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा, नया लगा, तो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास इसका पूरा नॉलेज है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और होप इससे आप लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो जाए। अभी से मैं तो ट्राई करने वाली हूँ कि अपने सारे जो डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, वो सब ऑफ पिक आवर्स में चलाऊँ, और इसी तरह से मैं भी एक थोड़ी हेल्प कर रही हूँ हमारे इलेक्ट्रिसिटी मीटर को कम करने के लिए, थोड़ी सेविंग करने के लिए। और बस भैया, अभी टाइम है झाड़ू लगाने का। मैं झाड़ू भी इसीलिए लगाती हूँ ताकि उतनी इलेक्ट्रिसिटी बचे, और साथ ही साथ मेरी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी रेदर देन यूजिंग हूवर ऑल द टाइम। बज रहे हैं दोपहर के 1। मैं हो गया हूँ थोड़ा अपनी मीटिंग से फ्री, तो मैंने बोला चलो आके आप लोगों से थोड़ा मिल लूँ। अभी लंच टाइम हमारा हो गया है शुरू। लंच में खुशबू क्या बनाया है? खुशबू ने बनाया है हांडवा, तो इसमें हमारा हांडवा मस्त गर्म हो रहा है, ये हांडवा का बैटर रहा। और प्लान ऐसा है कि भाई आज हम हांडवा खाने वाले हैं ये ग्रीन चटनी से। तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्रीन चटनी एडवांस में बना के फ्रीज़र में डीप फ्रीज कर देते हैं इसको। Yes. तो ताकि इससे क्या होता है कि ग्रीन चटनी ग्रीन रहे, कलर उसका चेंज ना हो। अगर आप उसको बाहर रखोगे या फ्रिज में रखोगे तो काली पड़ जाती है, बराबर। सही पकड़े हैं।
और फ्रीजर में रखने से पहले आपको, आप जब चटनी बना रहे हो तभी आपको उसमें डालना है थोड़ा सा हमारा ऑयल जो हम खाने में यूज करते हैं, थोड़ा सा, और बहुत सारा लेमन। इससे क्या है कि आपकी चटनी का कलर देखो ऐसा ग्रीन ही रहेगा। काफी दिनों पहले हमने बनाई थी, करीब 10 दिन पहले बनाई थी खुशबू, फिर भी इसका कलर अभी भी एकदम मस्त ग्रीन है। देखो एकदम प्रॉपर ग्रीन, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी फ्रेश बनाई है। और दूसरा चीज़ जो हम इसके साथ आज ट्राई करने वाले हैं वो है ये। सो ये है श्रीराचा सॉस। सो आपको बता दूं कि श्रीराचा सॉस होता क्या है। ये एक वीगन सॉस है और इसमें होता है, ये एक्चुअली चाइनीज सॉस बोलते हैं ना अपन, वो गार्लिक सॉस में, गार्लिक चिली गार्लिक सॉस जो बोलते हैं ना अपन, ये वो है। बट ये बनता है थाईलैंड में, तो ये थाईलैंड का रेसिपी है। तो आज से करीब 100 साल पहले थाईलैंड में ये सॉस की खोज हुई थी, या बोल सकते हो इन्वेंशन हुआ था। तो ये एक्चुअली एक थाई वर्जन है चाइना के चिली गार्लिक सॉस का। तो समझ रहे हो ना, अपना वो अपन नहीं, इंडिया में या मुंबई में वो चाइनीज के ठेले पे जाते तो वहाँ पे वो चिली गार्लिक सॉस देते, लाल कलर का शेजवान सॉस जिसको अपन बोलते हैं। तो ये है वही शेजवान सॉस का थाई वर्जन। तो यहाँ पे हमने बोला, काफी लोगों ने हमें बोला कि ये श्रीराचा सॉस यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, बहुत फेमस सॉस है। और ये सॉस का नाम श्रीराचा इसीलिए पड़ा क्योंकि इसकी, जब जिसने भी ये सॉस को पहली बार बनाया था वो लेडी रहती थी थाईलैंड के एक गांव में जिसका नाम है श्रीराचा, इसीलिए तब से ये सॉस का नाम श्रीराचा सॉस पड़ गया। और पहले और, तो प्रिया मुझे लगता था ये सॉस वेज नहीं है, इसलिए मैं कभी लेके नहीं आई। नहीं, लेकिन ये वेज है, वीगन है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये ग्लूटेन फ्री भी है और ये वीगन भी है, मतलब इसमें एग वेग कुछ नहीं होता। यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है या नहीं पता बता दूं कि यूके में वेजिटेरियन मतलब उसमें एग हो सकता है, गारंटी नहीं है कि उसमें एग नहीं होगा। तो हमेशा अगर आप लोग एग भी नहीं खाते हो, नॉनवेज तो दूर की बात है कि अगर आप एग भी नहीं खाते हो तो मेक श्योर कि आप वीगन फूड ऑर्डर करें या वीगन फूड परचेस करें जहाँ से भी परचेस कर रहे हो, क्योंकि वीगन मतलब नो एनिमल प्रोडक्ट्स, मतलब उसमें मिल्क भी नहीं आता, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं होता। वही चीज़ अगर आप वेजिटेरियन बोलोगे तो वेजिटेरियन में एग भी हो सकता है, वेजिटेरियन में दूध के पदार्थ भी हो सकते हैं, पनीर भी हो सकता है। तो पनीर वेजिटेरियन में आता है लेकिन पनीर वीगन में नहीं आता। हांडवा इधर हो गया है हमारा रेडी, गर्मा गर्म, साथ में है ग्रीन चटनी और ये है श्रीराचा सॉस। तो आज श्रीराचा सॉस के साथ हांडवा खा के ट्राई करके आपको दिखाते हैं कि भाई ये लगता कैसा है। श्रीराचा सॉस का श्री गणेश, यस। तो चलो उसी के साथ ट्राई कर रहा हूँ। भाई ये एकदम अपने इंडिया के चिली सॉस जैसा है, एकदम चिली सॉस जैसा ये। भाई तो जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया, और अगर आप इंडिया के चिली सॉस को मिस कर रहे हो, चिली गार्लिक सॉस को, श्रीराचा सॉस, इसको आप नूडल्स में डालो, राइस में डालो, मतलब फ्राइड राइस, चाइनीज फ्राइड राइस बनाते हो, या फिर हांडवे के साथ खाओ, कभी हांडवे के साथ ट्राई करो, बहुत ही बढ़िया लगता है। इस बार हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि मैंने अमेज़ोन से एक चीज़ मंगाई। वैसे हमारे घर पे वो चीज़ की ज़रूरत थी, तो हुआ यूँ कि भाई कुछ दिनों से ना हमारी घर पे एक तवा है, रोटी तवा जिसको बोलते हैं, पहले आपको दिखा देता हूँ तभी की हालत क्या हो गई है। तो ये आप देख रहे हो ना, ये है रोटी तवा, ये देखो इसके ऊपर है ना, ये पूरा इसका कोटिंग जो होता है ना, नॉनस्टिक कोटिंग, वो निकल गया है और ये पूरा ऐसे, ये देखो पूरा गंदा हो गया। बेसिकली मुझे ना थोड़ा हेल्थ कंसर्न हो गया था ये तवा को देखने के बाद, तो भाई मैंने सोचा कि एक नया तवा मंगाते, लेकिन मैं देख रहा था नॉनस्टिक तवा जो है ना, तो जो हमें जो ब्रांड के चाहिए थे वो थोड़े अच्छी क्वालिटी के होते हैं पर वो थोड़े महंगे चल रहे थे। तो मैंने बोला भाई मेरे को लेना तो है लेकिन मेरे को इतना सारा अमाउंट स्पेंड भी नहीं करना। तो मैंने क्या किया, अमेज़ॉन पे एक ऑप्शन होता है कि बाय यूज्ड, पर वो यूज्ड में जनरली क्या होता है कि उसकी एक तो प्राइस कम होती है यूज्ड वाले की, सबसे बड़ा एडवांटेज वो होता है कि एक्चुअल प्रोडक्ट से यूज्ड वाले की प्राइस थोड़ी कम होती है, पर जनरली यूज्ड वाले केसेस में वो प्रोडक्ट यूज्ड नहीं होता, मतलब आपको सेकेंड हैंड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, आपको नया प्रोडक्ट मिल रहा है लेकिन खाली उसका बॉक्स डैमेज हो गया रहता है। अपने को बॉक्स से क्या करना है, बॉक्स तो अपन वैसे भी फेंकने वाले। तो मुझे काफ़ी दिनों से एक बार ट्राई करना था ये यूज्ड वाला, क्योंकि जनरली इसमें आइटम आपको 20-30-40% डिस्काउंट पर मिल जाती है, आइटम होती नहीं है। तो वैसे ही वो तवा मैंने मंगा लिया था, तो वो तवा फाइनली आ गया है, अभी आपके सामने इसको मैं खोलने वाला हूँ और आपको दिखाते हैं चलो कि इसमें जो आइटम आई है वो सच में यूज्ड आई है कि नहीं आई है। सो खुशबू रेडी? यस। चलो तो अभी आपके सामने मैं ये बॉक्स को खोलने वाला हूँ।
रखे, इसमें और कुछ नहीं है, ये पूरा बाप रे बॉक्स देखो कितना बड़ा भेजा इन्होंने। बट जैसे मैंने बोला था, जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया उसका ओरिजिनल बॉक्स नहीं आया मुझे, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि ये प्रोडक्ट यूज्ड है या नया है। बाहर से अगर मैं देख के बताऊँ ना तो मुझे ये नया लग रहा है, तो अभी चलो इसको खोल के देखते हैं। हाँ, लेकिन इसका ओरिजिनल बॉक्स नहीं है। मैंने जैसे बोला था खुशबू तुमको कि यूज प्रोडक्ट में क्या होता है कि सिर्फ बॉक्स नहीं होता, आइटम आपको नई मिलती है, लेकिन अपन कंफर्म करते हैं सच में ऐसा होता है। अभी जो पैकिंग है उस हिसाब से तो लग रहा है प्रियांश कि नया ही है। ओहो, आई गेस व्हाट, पूरा ब्रांड, माय अजम्पशन वाज राइट, ये ब्रांड न्यू है। वाओ, ओहो, इट्स अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट। देखो बिल्कुल यूज्ड नहीं है, नया का नया प्रोडक्ट है। हाँ, देख लो गाइस, अगर आपको पैसे बचाने हैं जब आप अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हो, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो मेरा वाला जुगा ट्राई करो। मेरे को ये प्रोडक्ट 40% डिस्काउंट में मिला है फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस। कुछ वाह, फर्क क्या था, मैंने सिर्फ सिलेक्ट किया कि मुझे यूज प्रोडक्ट चाहिए जिसमें मुझे बॉक्स नहीं आता पैकेज का, अपने को बॉक्स का क्या करना है। सो गाइज, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई और आप लोग भी ट्राई कर सकते हो ये ऐसा। और एनीवे, अगर आपको सपोज गलती से यूज प्रोडक्ट आ भी गया तो आप उसको रिटर्न कर दो, लेकिन एक बार ट्राई तो कर लो। सो प्रियांक, मेरा ये एक डाउट है कि ऑप्शन आता है डायरेक्टली जब भी आप कोई भी चीज परचेस करोगे उसमें वो ऑप्शन आता ही है? जनरली सारे प्रोडक्ट में आता है, कोई कोई प्रोडक्ट में नहीं आता, लेकिन जिसमें आता है ना उसमें हमेशा दिखने का। तो भाई आज से मैं तो अभी मेरा फिक्स हो गया है भाई, अभी फर्स्ट टाइम मैं यूज प्रोडक्ट ही मंगाने वाला हूँ, क्योंकि यश यूज में भाई नया आइटम ही मिल रहा है। सो मेरे ख्याल से प्रियंक, इसका ये रीजन है कि हम कभी कभी लोग जो रिटर्न करते हैं जो प्रोडक्ट, ये वही होता होगा ना ये अमेज़न। लेट्स से ये क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लेट्स से आपने एक प्रोडक्ट मंगाया, आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो आपने अमेज़न को वो वापस कर दिया, तो जब प्रोडक्ट वापस करते हो तो ट्रांजिट में ना डिलीवरी में और रिटर्न में बॉक्स डैमेज हो जाता है। और यहाँ पे ऐसा रूल है कि भाई जब बॉक्स डैमेज हो जाता है तो वो लोग प्रोडक्ट को एज अ नया प्रोडक्ट नहीं बेचते, उसको एज अ यूज्ड प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो बस वो कुछ वैसा ही मैंने आज एक्सप्लेन किया। मतलब प्रियंका, आज हम दोनों पैसे बचाने की ही बात कर रहे हैं। मैंने ये सब मैंने यूके में आके हमने सीखा है कि पैसे कैसे बचाने चाहिए, क्योंकि भाई इधर महंगाई इतनी है कि आपको ये सब सोचना पड़ता है। तो ये थी हमारी पैसे बचाने की निंजा टेक्निक। जैसे मैंने अभी वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचाए वो बता दिया, प्रियंका ने बचा दिया है आप प्रोडक्ट्स पे कैसे बचा सकते हो पैसे। तो गाइस जरूर ट्राई करना ये सब। गाइस मस्त आ गया था। और चलिए अभी टाइम है, खोलते हैं हमारा तेमू का पार्सल और देखते हैं क्या आया है। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया, मतलब 2 हफ्ते के ऊपर हो गए, ये पार्सल थोड़ा डिले हो गया था, इसलिए मुझे भी याद नहीं है कि क्या क्या मंगवाया था। ओके, सबसे पहले है नायरा के हेयर के लिए अच्छे अच्छे बोल, पर मुझे लगता है बड़े साइज के आ गए हैं तो इसको कर देंगे। तो और ये सभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग जो मंगवाई है मैंने अपने फ़ोन के लिए, तो मैंने ये ना एक कवर मंगवाया है। ये जो कवर है ना, इसमें इनबिल्ट ही ये डोरी है। यस, तो भाई अभी नवरात्रि खेलने जाना है तो बस ऐसे ही रख दिया अपना फ़ोन। तो मतलब आपको मैं कैसा है, हमेशा भूल जाती हूँ कि फ़ोन किधर है, फ़ोन किधर है, फिर कहीं से निकलते ना तो ऐसे 10 बार मुझे चेक करना पड़ता है कि फ़ोन है ना, बैग में है ना। इसके लिए ये अच्छा रहेगा। और मंगवाई है ये क्यूट सी इयररिंग्स। और अभी क्या है, तो ये ना मैंने मंगवाए हैं नेचुरल अपने बाल कर्ल करने के लिए। ये देखिए, ये मैंने पिंकी के पास देखा था तो मैंने सोचा ये भी ट्राई करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स है, ऐसे ऐसे लगा के बालों को लगा के सोना है तो क्या है, नेचुरल कर्ल्स हो जाएंगे और नेक्स्ट डे आप को अच्छा रहेगा। तो ये मैं ज़रूर रात को ट्राई करूँगी, जब भी ट्राई करूँगी आप लोगों को दिखाऊँगी कि कितना दे सकते हैं। अब भी और क्या बचा है, हाँ ये देखिए, नायरा के लिए मैंने क्यूट से नायरा के पिलाने वाले चश्मे क्यूट गए थे, जो यहाँ पे चश्मे की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर नायरा को शौक है तो मैंने ऐसे
ये ब्राउन न्यूड सा कलर मंगवाया था, मुझे लगता है मुझे भी आ जाए, पर मेरे को नहीं पहनना है। पर ये देखो, यस क्यूट सा चश्मा नायरा के लिए मंगवाया था, उसके साथ ये बो वाली हेयरबैंड भी आई है। और हाँ, ये रबर बैंड अच्छे आए हैं, सो यस। और एक मैंने कवर मंगवाया था अपने लिए, अपने फोन के लिए, ऐसा आया है देखिए। यस, तो छोटी छोटी चीज़ें तो ख़त्म हो गई, अभी मेन चीज़ आई है। ये ऐसे आर्टिफिशियल हैंगिंग देखे थे मैंने, तो हमारी जो बालकनी है उसमें बाहर ऐसे हुक्स दिए हुए हैं, तो मुझे B&M में बहुत पसंद आए थे, पर मुझे वहाँ पे थोड़े महंगे लगे थे तो मैंने नहीं लिए थे। पर मैंने क्या किया कि घर पे आके तेमू पे देखा कि क्या ये सेम अवेलेबल है, और वो अवेलेबल था और कम रेट में था, लाइक हाफ प्राइस में था। बज रहे हैं शाम के 5:30, हमारा तूफान आ गया है घर, अभी मिलवाते हैं उनसे। लेकिन उसके पहले भाई घर में ना पूरा अंधेरा हो गया है, क्योंकि भाई इतनी बारिश है यहाँ पे भी, लंदन में भी। सुनने में आया है कि भाई मुंबई में भी आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो गाइज़ मुंबई वालों ज़रा ध्यान रखो। लेकिन भाई मुंबई में ये टाइम पे तो जनरली बारिश होती है, वैसे सितंबर में तो नहीं होती, अगस्त में सब खत्म हो जाता है, बट पहली बार सितंबर में भी अच्छी खासी बारिश हो रही है। पर मुंबई में बारिश गिरनी चाहिए भाई, वरना फिर वही वापस पानी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। एनीवे, चलो अच्छा है बारिश गिर रही है, इसी बहाने लोगों को थोड़ा घर पे रहने का भी मौका मिलेगा, ज़्यादा ट्रैवल करने का भी नहीं पड़ेगा, और मस्त गर्मा गर्म पकौड़े बना के खाओ ऐसे बारिश वाले वेदर में, गर्मा गर्म चाय पियो, वड़ा पाव खाओ, तला हुआ सब फ्राई वाई खाओ, मज़ा आएगा। चलो अभी अपन नायरा को मिलवा देते हैं। हेलो नायरा, व्हाट्स अप नायरा, डिड यू गो टू द स्कूल टुडे? यस। व्हाट डिड यू डू एट स्कूल? कैसा लगा मेरा मजाक? That's all that you do every day? Play, play? Biju kai nahi? Biju kai nahi. देखो हमारा सेठ कैसा बैठा है मस्त, और उसका अभी चल रहा है थोड़ा स्नैक टाइम, तो नर्सरी से आके ना ये उसका एक योगर्ट है, विटामिन्स वाला योगर्ट है, वो खाती रहती है रोज, उसको ये बहुत पसंद है। नायरा नाइस आउटफिट, नायरा वो मस्त लगे जो विंटर लुक एकदम है। बधाई ने हाई तो करी दे, अपने सब्सक्राइबर ने हाई करी दे, अहियाँ जो ने कैमरा में जो ने। ए हाँ, न्यू राइम कई छे? आई यू स्लीपिंग ब्राज एंड जान, ब्राज एंड जान, मनी इज अ रिंग रिंग, मनी इज अ रिंग रिंग, रिंग रिंग डॉन, रिंग रिंग डॉन, रिंग रिंग। वेरी गुड नायरा, वेरी गुड। तो भैया बस ऐसे कुछ हाल है अभी के भाई, ये देखो इधर तो मस्त एकदम अंधेरा कायम रहे हो गया है, लाइट चालू कर देते पहले, हाँ अभी बेटर है। हाँ तो खुशबू अभी क्या प्लान है, ये ट्राई किया जा रहा है अभी के बाद में? आज ट्राई करेंगे, तो आज आपको दिखाएंगे शाम को जब ये नया हमारा जो तवा आया है इसके ऊपर रोटियाँ कैसी बन रही है, और हमारे पुराने तवे से बेटर है कि नहीं। लेकिन तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन क्या कहता है, लग रहा है इसमें अच्छा बनेगा? बनेगा तो अच्छा, कोटिंग अच्छा है, और ये गैस मतलब अपने होब पे ऐसे बराबर सेट हो गया। हाँ ये सेट तो हो गया ना, ऐसे हिल नहीं रहा ना, हिल नहीं रहा ना, चलो बढ़िया। मेरे को ऐसा रिव्यू में बहुत लोगों ने बोला था कि ये ना, क्योंकि ये ऐसा फ्लैट है देखो, इसमें ऐसे आपको समझेगा ज़्यादा कर्वी नहीं है तो बराबर बैठता नहीं, ऐसा लोग बोल रहे थे, लेकिन हमें तो अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया, तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ठीक है चलो, तो ये हो गया, और अभी प्लान है ये जो तेमू से हमारे शोपीस आए थे वो शोपीस को जरा लगाना है। खुशबू इसको लगाना किधर है वैसे? बाहर। चलो कहाँ, बाहर जगह है क्या अभी लगाने को? वो हुक है ना ऊपर। ओके चलो दिखा देते कहाँ लगाने वाले इसको। चलो बताओ अभी किधर लगाना है, पर ये तो हवा से उड़ेगा नहीं इधर, लाओ लगा के देखते हैं। अच्छा आर्टिफिशियल है, ये लो भाई एक लग गया ऐसे, आहा तो मस्त लग रहा है। अभी दूसरा, दूसरा दूसरे वो। चलो ये भी लगा देते हैं, इधर मैन भी बैठा है। एनीवे ये देखो भाई मस्त लग गया है, यहाँ पे इसको सीधा कर देते हैं अभी। ठीक है ये तो घूम रहा है गोल गोल, हाँ ये ठीक है। तो चलो भाई ये कुछ ऐसा दिख रहा है, शोपीस भी मस्त हमारे लग गए हैं। रुको दूर से देखते हैं, अभी इधर से तो नहीं समझेगा, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है, लग रहा है सब थोड़ा। पहले क्या हमारा ये ऊपर का सीलिंग का जो एरिया है ना हमारे बालकनी का, ये थोड़ा खाली खाली लग रहा था, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। और आर्टिफिशियल है तो मिलता रहा है,
कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। और कितने में पड़ा ये कुछ भी? ये हमको पड़ा 1-3 pound में, 1-3 pound का। और B&M में था ये 1-8 pound। थोड़ा क्वालिटी डिफरेंस है ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन चाइना का आइटम अपने लिए काम चला हुआ है अभी के लिए तो। हाँ, तो ये प्लांट्स का भी आपको दिखा देते हैं। जरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि हमारे प्लांट्स को है ना, कुछ कुछ लीव्स को ये देखो ऐसा वाइट कलर का कुछ डिजीज जैसा हो गया है। वैसे यहाँ पे रोज आ रहे हैं, देखो ये एक नया रोज आया है, लेकिन कुछ 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 लीव्स को ना देखो ये ऐसे वाइट कलर का कुछ शेड लग गया है। और ये झाड़ तो ये प्लांट तो हमारा पूरा मर गया था, तो ये देखो ये ना सब पूरा मर गया था, लेकिन अभी इसमें से वापस नया ग्रो हुआ है, विच इज़ गुड। तो चलो ये, और ये देखो इसकी तो बहुत हालत ख़राब है। इसमें ना ये देखो इसको इसको कुछ तो डिजीज़ लग गया है पूरे प्लांट को। इसमें से कुछ कुछ लीव्स एकदम इंटैक्ट है, लेकिन कुछ कुछ लीव्स पे ना ऐसे चिकन पॉक्स जैसे कुछ छोटे छोटे ब्लैक दाग लग गए। हम लोग सोच रहे ये सब निकाल देते हैं ताकि वो बाकी लोगों बाकी जो अच्छे लीव्स है उस पर फैले नहीं। तो इसको भी कर लेंगे हम लोग। बट हाँ, कभी भी ध्यान रखो कि अपने प्लांट्स में ना अगर आजू बाजू में कहीं पर भी डेड लीव्स हो गए या कोई भी लीव्स को ऐसा डिजीज़ जैसा हो गया ना, तो उसको तुरंत काट दो, वरना क्या वो पूरे प्लांट पे फैलने लगता है। बाकी हमारे इंडोर प्लांट्स तो अभी सब मस्त है। हमारी तुलसी मैया भी थोड़ी बीच में यू नो वीक हो गई थी, लेकिन अभी इनमें वापस सब नए ग्रीन लीव्स आने हो गए शुरू। सो तुलसी मस्त ग्रो हो रही है। ये कितना बड़ा हो, ये देखो ये बहुत बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया, और ये तो अपना स्नेक प्लांट, ये तो ऐसे आ गया, ये सब चल ही रहा है। तो भाई हमारे इंडोर प्लांट्स तो एकदम मस्त जा रहे हैं। और यहाँ पे रबर प्लांट में एक नया लीव्स आने वाला है। ओ रबर प्लांट, ये रबर प्लांट है? ओ क्या रबर निकलता है इसमें से? वो पता नहीं पता नहीं, ठीक है चलो, ये रबर प्लांट था मालूम नहीं था। इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। नायरा को भी बाय कर लेते हैं। नायरा नायरा बाय 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 बाय। Me, isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby.